नगर निगम के कैंपस में हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा कि जनपद में जितने भी कूड़ा बीनने वाले हैं, जिसमें सभी लोगों को नगर निगम की वर्दी, आई कार्ड और अन्य सफाई की स्वच्छता के उपकरण दिए गए थे, उसी के परिप्रेक्ष्य में गुरुवार को नगर निगम के कैंपस में उनके लिए मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी शामिल हुए और उनके द्वारा महिलाओं और पुरुषों को चेकअप किया गया तथा जिनको तत्काल दवाइयों की ज़रूरत है उनको दवाइयां भी दी गईं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, इसी हॉल में जो हमारे रैक पिकर्स हैं, जितने कूड़े बीनने वाले हैं, उन लोगों का हम लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम किया था, जिसमें हमने सभी लोगों को उनको नगर निगम की वर्दी, उनको आई कार्ड और अन्य उनको सफाई के स्वच्छता के उपकरण की दिए थे। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने उनके चेकअप के लिए, मेडिकल चेकअप के लिए यहाँ पर मेडिकल कैंप का आयोजन किया है, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित और स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए हुए हैं और उनको चेकअप उनका चल रहा है। महिलाओं के लिए अलग महिला डॉक्टर हैं, पुरुष डॉक्टर हैं और बच्चों के डॉक्टर अलग हैं। इसमें उनका कंप्लीट चेकअप कराया जा रहा है। जो उनको तत्काल ज़रूरत दवाइयों की ज़रूरत थी, वो दवाइयाँ इनको दी जाएंगी और अगर कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं कि जो यहाँ पर नहीं हैं और उसको वो रिकमेंड कर रहे हैं डॉक्टर्स, तो उसको हम लोग मार्केट से मंगा कर उनको हम लोग देंगे। इसी के परिप्रेक्ष्य में ये पूरा जो कार्यक्रम है, ये जीरो वेस्ट कार्यक्रम है। यहाँ एक भी बूंद आप देख रहे हैं कहीं पर इससे कूड़ा नहीं निकला है। तो हम लोग ये जीरो वेस्ट कार्यक्रम हमारा आगे भी इसी प्रकार चलता रहेगा और इसी कड़ी में हम लोग आने वाले कल अपने जितने भी शहर के कबाड़ी हैं, हम उनको भी इकट्ठा कर रहे हैं। तो कबाड़ी प्लस कूड़े बीनने वाले और प्लस नगर निगम, ये एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट यहाँ पर हो चुका है। इस ट्राई पार्टी एग्रीमेंट के अंदर पूरे शहर में हमने कूड़े बीनने वालों की एक ऐसी फौज खड़ी किया है कि जो पूरे शहर में घूम के जगह जगह वो कूड़ा बीनते रहेंगे, कूड़ा बीनेंगे और उसके बाद जो हमारे कबाड़ी हैं जिनके साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया है, उन कबाड़ियों को लेकर जाके देंगे। जहाँ पर कि वो कबाड़ी है उसको हमारे MRF सेंटर पर लाएंगे। जगह जगह MRF सेंटर बने हैं, वहाँ पर हमारी कंप्रेस करने वाली मशीन है। उस मशीन पर उनको चाहे वो गत्ता हो, चाहे वो शीशा हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो लोहा हो, उसको कंप्रेस करेंगे और कंप्रेस करने के बाद पैकिंग करके उसको हम लोग जो है लखनऊ, कानपुर आदि जगहों पर भेज के वहाँ से जो आमदनी हो रही है, उस आमदनी में इन कूड़े बीनने वालों को, कबाड़ी भाइयों को इनका हिस्सा देंगे। जो आय और बचेगी उससे जो हमारे सफाईकर्मी हैं उनके परिवार के बच्चों को हम लोग जो है पढ़ाई लिखाई पर, उनके शादी ब्याह पे आदि उस पर खर्च करेंगे। निश्चित रूप से एक बहुत ही नोबेल कॉज को लेकर एक बहुत पवित्र उद्देश्य के साथ नगर निगम काम कर रहा है और निश्चित रूप से इसमें जो भी हमको आय होगी उससे हमारे सफाई कर्मचारी परिवार भी बहुत ही लाभान्वित होंगे।